Assalamualaikum, welcome back to my channel. उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मजे में होंगे और जहाँ पे भी होंगे बहुत खुश होंगे। आज की जो रेमेडी है वो है ड्राई और डार्क लिप्स के लिए, यानी कि अगर तुम्हारे जो होंठ हैं वो खुश्क हैं और काले हैं, ठीक है, तो आज की रेमेडी तुम्हारे लिए ही है। ये इतने अच्छे से वर्क करती है। बेसिकली आज हम दो चीज़ें बनाएंगे, एक है स्क्रब जो कि है ड्राई लिप्स के लिए और दूसरा है मास्क जो कि है ब्लैक लिप्स के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं जल्दी से बताती हूँ कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग तैयार कर रहे हैं स्क्रब, और स्क्रब के लिए आपको सिंपल सी दो चीज़ें चाहिए, एक है चीनी और एक है शहद, ठीक है जी। तो इसको आप लोगों ने मिक्स इस तरह से करना है कि आप लोग लोगे हाफ चम्मच चीनी, उसके अंदर ऐड कर दोगे हाफ चम्मच शहद, और इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स, बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है जी। अब बारी आती है इसको अप्लाई करने की। इसको अप्लाई करने से पहले अपने लिप्स को हल्का सा वेट कर लो, उसके बाद इस स्क्रब को लेके अपने लिप्स पे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए स्क्रब करो। लेकिन स्क्रब करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्के हाथों से स्क्रब करना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, ठीक है। 2 से 3 मिनट के बाद इसको वॉश कर दो। अब तैयार करते हैं जी मास्क, जो कि स्क्रब के बाद आपने अप्लाई करना होगा, ठीक है। इस मास्क के लिए सिंपल सी 2 चीज़ें चाहिए, आपको चाहिए आलू का जूस और साथ में चाहिए विटामिन ई कैप्सूल। अब आप लोगों ने इसको बनाना कैसे है कि जब आप लोग इसको बना रहे हो तो आप लोगों ने ऐड करना है हाफ चम्मच आलू का जूस और उसके अंदर 1 चम्मच विटामिन ई कैप्सूल ऐड करना है, ठीक है। और इसको अप्लाई कैसे करना है, कर स्क्रब करने के बाद अपनी फिंगर टिप से इसको अपने लिप्स पे अप्लाई करके छोड़ दो, मतलब जितनी देर आप चाहते हो, कम से कम हाफ आवर के लिए तो इसको लगा रहने दो, ठीक है। उसके बाद इसको वॉश कर दो। आप डेली रूटीन में भी जब आपको टाइम मिले चलते फिरते इसको अप्लाई कर दो अपने लिप्स पे। उससे क्या होगा, जो डार्क लिप्स हैं ये आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और पिंक और सॉफ्ट लिप्स हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, परेशान नहीं होना है कि ये चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। आप इन दोनों चीज़ों को, स्क्रब और मास्क, इन दोनों चीज़ों को कम से कम 2 से 3 हफ्तों के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हो। इसलिए अगर स्क्रब बच जाए या मास्क बच जाए तो परेशान नहीं होना है कि आपकी कोई चीज़ ज़ाया हो रही है, ठीक है जी। आप इसको 2 से 3 हफ्तों के दौरान जब चाहो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2 से 3 हफ्तों तक ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो जी ये थी आज की बहुत ही सिंपल सी रेमेडी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग इसको मस्ट ट्राई करो। अगर आप लोग इसको ट्राई करते हो तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही आप लोगों को अपने लिप्स जो हैं वो पिंकिश और सॉफ्ट फील होंगे, स्पेशली अगर आप लोग मैट लिपस्टिक लगाते हो। और आप लोगों को नोटिस किया होगा कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा रफ होती है, तो आप लोग इस रेमेडी को ट्राई करो, उसके बाद मैट लिपस्टिक लगाओ और आप लोग हैरान रह जाओगे कि उसकी एप्लीकेशन कितनी स्मूथ होगी, ठीक है जी। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो करना है लाइक, और अगर मेरी फर्दर वीडियोस देखने चाहते हो तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, मजे में रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।